पवन कल्याण और चिरंजीवी का बड़े ही फिल्मी अंदाज में जज्बाती मुलाकात देखी गई। रियासत आंध्र प्रदेश में इंतखाबात में 21 हलकों से शानदार कामयाबी जीतने के बाद पावर स्टार पवन कल्याण का चिरंजीवी के घर जाना हुआ, जो कि तेलुगु सामाइन के लिए एक बड़ा ही जज्बाती लम्हा देखा गया और शायकीन के लिए ये पवन कल्याण की ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं था। रामचरण ने फूलों से इनका इस्तकबाल किया, जबकि विवेदिना सुरेखा ने इन्हें गले लगाकर ढेर सारी मुबारकबाद पेश की और फिर पवन कल्याण की मां अंजना देवी ने आरती की। इस पस मंजर में इख्तितामी मरहले में पवन कल्याण, जो कि अपने भाई चिरंजीवी के आशीर्वाद के लिए इज्जत से उनके पांव में झुक गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जनसेना के सरबराह पवन कल्याण, जो कि हैदराबाद लौटे थे, इन्होंने आज अपने भाई चिरंजीवी के घर का दौरा किया, जहाँ पर इनका पूरे मेगा ख़ानदान की जानिब से वालेहाना व शाही अंदाज में इस्तकबाल किया गया। पवन कल्याण अकेरा नंदन और अनालीजेंफ के साथ ये देखे गए। रामचरण ने दाखिली दरवाजे पर वालेहाना तरीके से पवन कल्याण का इस्तकबाल किया। इस दौरान पवन पर फूलों की बारिश की गई। बाद हज़ार चिरंजीवी की बीवी सुरेखा ने पवन कल्याण का इस्तकबाल किया। इसके बाद निहारिका सुरेजा वरुण तेज ने पवन कल्याण का भी आरती और ढेर सारी मुबारकबादें पेश की। इसके बाद मेगा स्टार के पाँव में झुककर इनका आशीर्वाद हासिल किया। ये लम्हा जो कि सभी शायकीन को खूब ज़्यादा पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ज़्यादा वायरल भी देखा जा रहा है। पेश है DTV9 की ये खसूसी रिपोर्ट।